कोरोना संक्रमण का एक साल से भी ऊपर अवधि बीत चुका है। बीच में कोरोना की संख्याएं बड़ी तेजी से देश में घट रही थी, अचानक कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्याओं में इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अपने अपने राज्यों का, विशेषकर उन राज्यों पर जहां की संख्याएं बढ़ रही थी, उनको उनकी बातें सुनी गई और सभी अधिक प्रभावित राज्यों ने अपनी बातें रखी। उसी पर थोड़ा चर्चा था। ये बहुत शॉर्ट नोटिस की एक वीसी थी और कुल मिलाकर के वही बातें जो बातें पूर्व में थीं कि हमें अभी भी सतर्कता बनाए रखना होगा और इस विषय पर कुछ कड़ाई के साथ भी आगे बढ़ना होगा, यही सब कुल मिला के बातें थी। डिमांड हम लोगों की तरफ से, झारखंड की तरफ से क्या ये चाहिए या फिर और हमारे राज्य की स्थिति हम आपको बताएं तो हम पहले से ही कई प्रिकॉशन अभी लेके चल रहे हैं। आठवीं से नीचे तक की स्कूलें अभी तक हम लोगों ने नहीं खोली हैं। हजार की संख्या से अधिक का जमावड़ा का पर भी पाबंदी है। जुलूस प्रोसेशन इस पर भी हम लोगों ने अभी पाबंदी ही लगा रखी है। अभी लगभग 550 लोग संक्रमित हमारे राज्य में हैं, जिसमें विशेषकर रांची जमशेदपुर, रांची में 350 के लगभग 325 के लगभग संक्रमित हैं और जमशेदपुर में लगभग 80-90 के लगभग लोग संक्रमित हैं। क्योंकि इस जगह पर आवागमन दूसरे राज्यों से बहुत तेज़ी से होता है और राज्य के हर जिलों में नज़र रखी गई है। और अभी हम लोगों ने, आपको पता होगा कि एयरपोर्ट में भी हम लोगों ने कोरोना टेस्टिंग का सेटअप बैठा रखा है। अब जो रेल मार्ग है जहां अधिक प्रभावित है, उस पर भी हम लोग चीज़ों को कैसे वहां पर जांच की प्रक्रिया की जा सकती है वो भी देख रहे हैं। पंचायत स्तर तक में वैक्सीनेशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है और ये कार्य में थोड़ी सी और हम गति देंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।